तो उत्तर प्रदेश में साल की एंडिंग और नए साल का आगाज छापेमारी वाली पॉलिटिक्स के साथ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता पंपी जैन के ठिकानों पर रेड हुई है। पंपी जैन वही शख्स है जिन्होंने समाजवादी पार्टी इत्र लॉन्च कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और अखिलेश यादव के नजदीकी माने जाते हैं। अब रेड हुई है तो रेड का रिएक्शन कैसे आता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन कुछ जानकारियों के साथ इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा। यूपी में साल 2021 की विदाई और नए साल की एंट्री छापों की राजनीति के साथ है। साल की विदाई समाजवादी पार्टी के लिए कुछ कड़वी यादों के साथ है। वजह है अखिलेश यादव से जुड़े नेताओं और कारोबारियों पर पड़ी रेड। समाजवादी पार्टी के गढ़ कन्नौज में आयकर विभाग की छापेमारी की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी के MLC पुष्पराज जैन के ठिकानों पर पड़ी छापों की है। न सिर्फ कन्नौज बल्कि कानपुर समेत नोएडा और यूपी के कई जगहों पर पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। छापेमारी को लेकर हुए एक्शन से पहले इन तस्वीरों को भी देखिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अखिलेश यादव ने समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था। समाजवादी पार्टी के इस समाजवादी इत्र को लॉन्च करने के पीछे भूमिका तब पुष्पराज जैन ने निभाई थी। अब सपा नेता पुष्पराज जैन पर आयकर विभाग का शिकंजा कसा है। ये रेड तब हुई है जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व CM अखिलेश यादव कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। समाजवादी पार्टी ने छापेमारी को BJP की बौखलाहट बताया। सत्ता के दबाव कर रही है, वरना सवाल ये है कि पहले क्यों नहीं इन्होंने ऐसा किया, चुनाव के वक्त ही क्यों आया ये रेड करने का इनके मन में। ये BJP के सहयोगी संगठनों के रूप में काम कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही प्राइम इंस्टीट्यूशंस जो हुआ करते थे वो इस तरह से काम करने लगे, ये देश का दुर्भाग्य, जनता का दुर्भाग्य। साल की विदाई यूपी में समाजवादी पार्टी पर इनकम टैक्स विभाग और GST इंटेलिजेंस की छापेमारी के साथ है। हफ्ता भर भी बीता नहीं है कि जब समाजवादी पार्टी के नेता पुष्पराज जैन से ही जुड़े इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज और कानपुर में छापेमारी का एक्शन हो चुका है। पीयूष जैन से 200 करोड़ रुपए के करीब कैश, कई किलो सोना, कई संपत्तियों का खुलासा हो चुका है। छापेमारी का पहला अध्याय खत्म हुआ ही था कि नया अध्याय इसमें जुड़ गया है और नाम जुड़ा है अखिलेश यादव के बेहद करीबी नेताओं में से एक पुष्पराज जैन का। 2021 की हैप्पी एंडिंग समाजवादी पार्टी के लिए नहीं हुई है और नए साल का स्वागत छापेमारी वाली पॉलिटिक्स के साथ है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।